दोस्तों भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का दूसरा मैच 29 जनवरी को लखनऊ के श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। आपको बता दें कि इस मैच में टीम इंडिया ने 6 विकेट से जीत दर्ज की थी। तो वहीं टीम इंडिया के इस मैच को लाइव देखने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ स्वयं स्टेडियम में पहुंचे थे। दूसरी तरफ ये मैच खत्म होने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम के मिस्टर 360 बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव ने योगी आदित्यनाथ के लखनऊ आवास पर उनसे मुलाकात की। दरअसल दोस्तों सूर्य कुमार यादव को स्वयं योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास पर आने के लिए निमंत्रण दिया था। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में क्रिकेट फैंस को एक लो स्कोरिंग रोमांचक मैच देखने को मिला था। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, जो कि उनके लिए गलत साबित हुआ। आपको बता दें कि भारत की बेहतरीन गेंदबाजी के आगे न्यूजीलैंड की पूरी टीम सिर्फ 20 ओवरों में 8 विकेट के नुकसान पर 99 रन ही बना सकी थी। तो वहीं भारत की तरफ से अर्शदीप सिंह ने 2 और हार्दिक पांड्या, वाशिंगटन सुंदर, यजुवेंद्र चहल, दीपक हुड्डा व कुलदीप यादव को 1-1 विकेट मिला था। दूसरी तरफ न्यूजीलैंड से मिले 100 रनों के टारगेट को भारत ने 4 विकेट खोकर पारी के आखिरी ओवर में हासिल कर लिया था। हालांकि इस टारगेट को अचीव करने में भारत के पसीने छूट गए थे। भारत की तरफ से हार्दिक पांड्या 15 और सूर्य कुमार यादव ने नाबाद 26 रन बनाकर टीम को जीत दिलाई। साथ ही आपको बता दें कि अब दोनों टीमों ने 3 मैचों की T20 सीरीज में 1-1 की बराबरी भी कर ली है। दोस्तों इस मैच के बाद उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर एक पोस्ट किया। सूर्या के साथ पोस्ट को शेयर करते वक्त योगी आदित्य जी ने लिखा, युवा और ऊर्जावान स्काई के साथ मिस्टर 360 लखनऊ आवास पर। जब से योगी आदित्यनाथ ने सूर्य कुमार यादव के साथ फोटो साझा की है, तब से लोग इसको सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से शेयर कर रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर ले।